हेलो फ्रेंड्स, आज से अपना नया टॉपिक राजस्थान के आभूषण स्टार्ट है। फर्स्ट है कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है। कंदोरा जो है वो कमर पे पहना जाता है। कंदोरा, सटका, कमरबंद, गर्दनी, ये सब कहाँ पे पहने जाते हैं? कमर पे पहने जाते हैं। आप हर पार्ट को लिख लेना और जो जो आते जाए उनको उसके सामने लिखते जाना। क्वेश्चन सेकंड है, निम्न में से कौन सा एक आभूषण महिलाओं द्वारा पैरों में नहीं पहना जाता। इससे आपको तीन आभूषण पता पड़ेंगे जो पैरों में पहने जाते हैं। कौन कौन से पहने जाते हैं? नेवरी, बिछुड़ी, हिरनामैन, ये सब जो है पैरों में पहने जाते हैं, लेकिन कातरियो जो है वो कमर में पहना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, खांच कहाँ पहना जाता है। तो खांच एक आभूषण है जो बांह में पहना जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बांह में, बाजूबंद और ये खांच, ठीक है, और भी बहुत सारे आभूषण हैं जो बांह में पहने जाते हैं। ठीक है, तो आप इन सबको लिख लेना। क्वेश्चन फोर्थ है, बंगड़ी आभूषण कहाँ कहाँ पे पहना जाता है। तो बंगड़ी आपको याद रखना है, बंगड़ी हाथ में पहनते हैं जो राजपूत स्त्रियाँ होती हैं, वो अपने हाथों में बंगड़ियाँ पहनती हैं, वही कहलाती है बंगड़ी। ठीक है, तो बंगड़ी कहाँ पे है? हाथ में। ठीक है, चूड़ी, बंगड़ी, कड़ा, ये सब हाथ के ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन फाइव है, टोडर आभूषण है। अब देखो, टोडर जो है वो पुरुषों का आभूषण है और पुरुष जो पैर में पहनते हैं उसे टोडर कहते हैं, इसलिए पुरुषों के पैर का आभूषण टोडर है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा, ये भी आप याद कर लेना। महिलाओं के आभूषण नहीं होते, पुरुषों के भी होते हैं, तो वो भी आपको लिखते जाना है। क्वेश्चन सिक्स है, निम्न में से हाथ का आभूषण नहीं है। अब इसका मतलब इनमें से तीन जो है वो हाथ के आभूषण है। कौन कौन से हैं? बिट्ठी, कुड्डक और भवरकंडी, ये तीनों ही क्या है? हाथ के आभूषण है। और पासो जो है वो पैर का आभूषण है। ठीक है, तो पासो इसका नहीं है, बाकी तीनों कहाँ हैं? हाथ के आभूषण है। ठीक है, क्वेश्चन सेवन है, कोकरू, पीपल पान, एरंग पत्तो आदि आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं। ये तीनों ही आभूषण कान में पहने जाते हैं, इसके साथ में बाली भी है, झुमको भी है ना, झारलो भी है, ये सब कान के आभूषण है। स्पेशली याद रखना, पीपल पान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोकरू, पीपल पान, एरंग पत्तो। ठीक है, क्वेश्चन आठ है, सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है। मैंने बताया था कमरबंद, कड़धनी, कड़कती, कमर ना, सटका, ये सब कमर के आभूषण है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। सटका कहाँ का आभूषण है? कमर का। ठीक है, तो आप, और गुच्छा जैसा होता है, ये चाबी का गुच्छा होता है वैसा। क्वेश्चन नाइन है, निम्न में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो सिर पर कौन सा पहना जाता है? बोड़ला, टीका, रखड़ी, ये सब सिर के आभूषण है ना, नथ नाक का है, बिछिया पैर का है, टड्डा भी पैर का है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा, बोरला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, रखड़ी आभूषण किस अंग का है। अभी बताया था बोरला, रखड़ी, ये सब कहाँ के हैं? सिर के है, टीका, तो सिर का राइट आंसर होगा इसका डी। तो इस तरीके से आज आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आज अपना डे फर्स्ट है आभूषणों का। लास्ट में मैंने आभूषणों का एक फोटो भी दिया है, उसमें आपको कई सारे जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनमें से देखने को मिल जाएंगे। और आप डेली इसको एक दो बार, जैसे किसी दिन सिर के देख लिए, किसी दिन, एक दिन में तो सारे याद भी नहीं होते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो एक दिन हाथ के, एक दिन पैर के, ऐसे देख लिए। और बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार आ चुके हैं वो मैं आपको करा दे रही हूँ। इस तरीके से आपका आभूषण टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।